हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज ए टेक सोल्यूशन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, कि वीएमवेयर में हम लोग कैसे वीसी डाइल को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वीएमवेयर के बारे में बता दे रहा हूँ। वीएमवेयर एक ऐसा मशीन है जिसमें हम लोग वर्चुअली एक मशीन क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पीसी नहीं है तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, वीएमवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर हम लोग एक अलग से विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। जस्ट लाइक विंडोज़ हो गए, वीसी डाइल हो गया, कोई सा भी विंडोज़ आप इंस्टॉल करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीएमवेयर हमारा होता है एक वर्चुअल मशीन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, स्टेप वन में क्या है, स्टेप टू में क्या है, स्टेप थ्री में क्या है। इससे क्या होगा दोस्तों कि कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास कन्फ्यूजन होगी तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे या प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो कोई कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जिससे कि आप इजीली अपने सिस्टम में वीएमवेयर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और उसमें वीसी डाइल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इसमें हम लोग सेटिंग करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आप कुछ सेटिंग मिस कर देंगे तो क्या होगा कि आपका वीएमवेयर जो है वो इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन रन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलना, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग स्टेप वन पे जाएंगे। स्टेप वन हमारा होगा डाउनलोड कैसे करते हैं वीएमवेयर को। तो हम लोग यहाँ पर डाउनलोड वीएमवेयर वर्क स्टेशन प्रो सर्च कर रहा हूँ। स्टेप इस वाले लिंक पे एक बार जाके देखते हैं। तो इस वाले लिंक पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राई, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, एक विंडोज़ के लिए, एक लिनक्स के लिए। अगर आपके पास विंडोज़ पीसी है या लैपटॉप है तो उस रिगार्डिंग आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर ले। अगर आपके पास लिनक्स पीसी है या लिनक्स लैपटॉप है तो आप ये फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पर क्लिक करके डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर दूंगा। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। यानी जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हम लोग वीएमवेयर को डाउनलोड कहाँ से करें, कैसे करें, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ पे पॉज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ पड़ा है, तो मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ। अब हम लोग दोस्तों स्टेप टू में जाएंगे। स्टेप टू में हमारा क्या था, वीएमवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम लोग वीएमवेयर को अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या क्या सेटिंग करना हमें ज़रूरी है वो आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके शो इन फोल्डर पर जाऊँगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है वीएमवेयर, तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है कि डाउनलोडिंग में, इंस्टॉलिंग में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डीएम करें, मैं ज़रूर आपका जो भी कन्फ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर कुछ टाइम लग सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब आप वीएमवेयर अपने पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों वो आप देख सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये लैपटॉप है, इसमें मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर्टीज़ पर जाके मैं यहाँ पर आपको अपना ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊँगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास i3 फोर्थ जनरेशन है और जो हमारे पास रैम है वो 2 GB है। तो 2 GB रैम होने में क्या होता है, 2 GB अगर आपके पास है तो आपके जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ही हैंग करना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो मिनिमम रैम होना चाहिए वो 4 GB होना चाहिए। 4 GB के ऊपर आपके पास रैम है तो और अच्छा है, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो ज़्यादा ही स्मूथ वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेटअप फाइल आ गया। अब मैं यहाँ पर करूँगा यस। तो मैक्सिमम आपके पास 8 GB रैम होना चाहिए। 8 GB अगर आपके पास है तो आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा ही फास्ट वर्क करेगा। मेरे पास यहाँ पे 2 GB रैम है इसीलिए थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, जब तक ये इंस्टॉलेशन चल रहा है तब तक आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो में लेकर आता रहूँ आप लोगों के लिए।
तो स्टेप टू हमारा इंस्टॉलेशन है, स्टेप टू हमारा अभी चल रही है। स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो चुका था, VMware कैसे डाउनलोड करते हैं, और स्टेप टू हमारा आ गया VMware Workstation कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लग सकता है दोस्तों, तो इसे स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें। ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ से ज़रूर आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर करना है नेक्स्ट। और जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, आपको वही स्टेप फॉलो करना है। अब हमें यहाँ पर करना है आई एक्सेप्ट नेक्स्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा 2 GB रैम है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। आपके पास अगर 4 GB या 8 GB है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूँगा और इंस्टॉल कर दूँगा। अब ये दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर इंस्टॉल होते ही एक सेटिंग हमें और करनी है, वो सेटिंग क्या करनी है वो आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। अगर आप दोस्तों वो सेटिंग नहीं करते हैं तो जो आपका VMware है वो इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा, वो रन नहीं होगा। कैसे, मैं आगे के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा स्टेप टू भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा फिनिश। तो यहाँ पर स्टेप वन और स्टेप टू कंप्लीट हुआ, लेकिन स्टेप थ्री क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेप थ्री में आपको एक और सेटिंग करनी होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेटिंग है। अगर आपके पास ये सेटिंग बायोस में नहीं होगा तो फिर आपका मशीन वर्चुअलाइजेशन में काम नहीं करेगा। तो क्या सेटिंग है, मैं क्या एरर आएगा अगर आप वो सेटिंग इनेबल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं पहले इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे। अभी मैं फ़िलहाल आपको वो सेटिंग बताऊँगा, अभी नेक्स्ट फिनिश कर दे रहा हूँ। जैसे ही आप ये वर्चुअलाइजेशन इनेबल करेंगे VC डाल जो इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर एक एरर मैसेज आ जाएगा। क्या एरर, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एरर आ जाएगा, एरर वाइल पावर ऑन द होस्ट सपोर्ट इंटेल VTX बट इंटेल VTX इज डिसेबल। मतलब वर्चुअलाइजेशन हमारा जो है वो डिसेबल हुआ पड़ा है। ये कहाँ से इनेबल करना है, यहाँ पर आपको मेंशन भी किया गया, वेरीफाई द बायोस या फार्मर सेटिंग इनेबल इंटेल VTX एंड डिसेबल ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें इनेबल करना है, ये हमें बायोस में जाकर ये सेटिंग को इनेबल करना है। तो बायोस में कहाँ पर आपको वो सेटिंग मिलेगी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारा लैपटॉप है वो लैपटॉप है डेल का, अलग अलग कंपनी का में अलग अलग बायोस की सेटिंग होगी, वो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा। मैं यहाँ पर एक सेटिंग दिखा दूँगा और एक स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको किस तरह का वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इस PC में वर्चुअलाइजेशन को ऑन करता हूँ। कैसे ऑन करना है वो मैं आपको बायोस में जाकर दिखाऊँगा, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। अब मैं यहाँ पर करूँगा बायोस में। अब तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें बायोस में जाना है। तो मैं इस सिस्टम को रिस्टार्ट करके बायोस में जाऊंगा, उसके बाद आपको बायोस में क्या सेटिंग में क्या इनेबल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बायोस की सेटिंग में आ गया हूँ। ये मेरा लैपटॉप है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग बायोस की सेटिंग होती है, वो खुद ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका वर्चुअलाइजेशन कहाँ है। वैसे मेंशन हो जाता है कि वर्चुअलाइजेशन, जैसे कि मैं आपको एडवांस में यहाँ पे जाऊँगा,
एडवांस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा पास एक वर्चुअलाइजेशन लिखा हुआ आ रहा है और वो डिसेबल हुआ पड़ा है। ये आप देख सकते हो कि ये रहा मेरा वर्चुअलाइजेशन और ये क्या हुआ पड़ा है, ये डिसेबल हुआ पड़ा है। जैसे ही मैं इसको इनेबल करूंगा फिर जो हमारा वर्चुअल मशीन है जो मैंने वीएमवेयर इंस्टॉल किया है वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो दोस्तों बात हो गई इस लैपटॉप की। मैं एक और सेटिंग दिखा दूंगा जिससे कि आपको समझ में आए कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा अलग। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वर्चुअलाइजेशन इसमें इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अलग लैपटॉप में या अलग पीसी में अलग ऑप्शन आएगा वर्चुअलाइजेशन का। तो वो क्या ऑप्शन होगा वो भी मैं आपको इसमें स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ जिससे कि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि कुछ इस तरह का भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे को वर्चुअलाइजेशन पे जाना है, एंटर करना है और इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में अब इसकी जो बायोस की सेटिंग है वो हमें सेव करनी होगी। तो मैं F10 प्रेस करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो सेव कॉन्फ़िगर एंड रीसेट आ रहा है। तो मैं इसको सेव करके यस कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक और स्क्रीनशॉट रखा है, कुछ इस तरह का भी ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी VTX दोनों यहाँ पर मैंने टिक मार कर रखा हुआ है। तो ये इस तरह का भी ऑप्शन मिलेगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों वर्चुअलाइजेशन लिखा होगा तो बस वर्चुअलाइजेशन जहाँ लिखा है आपको उस पर टिक कर देना है या इनेबल कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बायोस की सेटिंग, तो यहाँ पर हमारा Step 3 भी कंप्लीट हो चुका है। Step 1 था हमारा डाउनलोड कैसे किया जाता है, Step 2 हमारा था इंस्टॉल कैसे किया जाता है, Step 3 था हमारा बायोस में जाके वर्चुअलाइजेशन को कैसे इनेबल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अलग अलग लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो उसके अलग अलग बायोस की सेटिंग होती है, हमें खुद ही उसके अंदर जाकर वन बाई वन जाके चेक करना होगा, या आप गूगल भी कर सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए मॉडल वाइज डाल के कि कैसे इनेबल किया जाता है, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे इनेबल करते हैं। तो हमारा Step 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दोस्तों Step 4 पे जाएंगे। Step 4 में हमारा क्या है, मैं सबसे पहले VMware को यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ। Step 4 में हमारा है कि इसके अंदर VC डायल को कैसे इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले मैं पुराने वाले को यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, यस। अब सबसे पहले आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा जब आप Step 1, Step 2 और Step 3 कंप्लीट कर लेंगे। तो Step 4 में अब हमारा है आ गया है। अब हम एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे VC डायल को इंस्टॉल करेंगे। तो क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है हमें। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 3 ऑप्शन में हमें बीच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इंस्टॉल डिस्क इमेज फाइल ISO। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हमें एक ISO फाइल चाहिए, किसका, VC बॉक्स का। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास VC बॉक्स इंस्टॉल 8.1 पड़ा हुआ है डाउनलोड में, ये आप देख सकते हो डाउनलोड में, डाउनलोड का जो फोल्डर है उसमें VC बॉक्स 8 जो हमारा ISO इमेज है वो इसमें पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास VC बॉक्स 8.1 नहीं है या इसका लेटेस्ट वर्जन भी नहीं है तो आपको गूगल से जाके डाउनलोड करना होगा। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर आप मुझे इंस्टा में DM करें, मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप VC बॉक्स 8.1 वहां से डाउनलोड कर सके। तो ये आपके पास ISO इमेज होना पड़ेगा। उसके बाद इसे हम लोग सिलेक्ट करके यहां से ओपन कर देंगे। यहां पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब यहां पर मशीन का नाम दे देंगे, मशीन का नाम क्या है, VC बॉक्स या VC डायल, जिससे कि हमें पता चले कि ये जो मशीन है वो VC डायल का है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैक्सिमम डिस्क साइज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पर 20 GB है, आप इससे ऊपर भी रख सकते हैं, 440 GB भी रख सकते हैं, तो मैक्सिमम 40 GB रख लीजिए, VC डायल के लिए इनफ है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मेमोरी लिखा है 1024, यानी 1 GB रैम मैंने इस मशीन को दे दिया है। तो 1 GB ही मैं अभी फ़िलहाल रखने दे रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास जो रैम है वो 2 GB का ही है, तो 1 GB यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। अगर आपको कस्टमाइज हार्डवेयर में यहाँ पर जाकर आप चेंज भी कर सकते हैं, प्रोसेसर का जो नंबर ऑफ प्रोसेसर कोर होता है वो कितना आप देना चाहते हैं, मेमोरी कितना देना चाहते हैं, 1 GB, 2 GB। तो फिलहाल ये है, ये आप इग्नोर कर लीजिए, इनफ है VC डायल के लिए 1 GB। अब यहाँ पर मैं कर दूँगा फिनिश। अब फिनिश करते ही जो स्टेप 3 में एरर आया था
जो मैंने इनेबल किया, अब यहाँ पर एरर नहीं होगा, वो डायरेक्ट ही हमारा वी सी डाइल यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा वी एम वेयर काम कर गया क्योंकि हमने बायोस में जाकर वर्चुअलाइजेशन को इनेबल कर दिया। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा एंटर मार दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 2 से 3 कमांड चलाना है और 1-2 चीज़ें यहाँ पर हमें समझना है। अगर 1-2 चीज़ें समझ जाएंगे और 2-3 कमांड क्या है वो समझ जाएंगे तो आप बहुत ही इजी वे में आप अपने पीसी में या लैपटॉप में वीसी बॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो क्या स्टेप है वो स्टेप को फॉलो करें दोस्तों। अगर समझ नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पर लॉगिन के लिए हमें क्या करना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम जाएंगे रूट, ROOT रूट, और जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो होता है VICIDIAL यानी वी सी डाइल। अब यहाँ पर एंटर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो हमारा पहला स्टेप हो वो क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर IP चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 192.168.126.128/24। तो दोस्तों ये IP हमें एक जगह नोट कर लेनी होगी कि हमारी ये IP है 192.168.126.128। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसी IP को हम लोग मैनुअल डालेंगे। मैनुअल नेटवर्क में कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है वो हमारा अगला स्टेप होगा। तो सबसे पहले मैं ये IP नोट कर ले रहा हूँ 192.168.126.128। तो हमारा सेकेंड कमांड क्या होगा, YAST LAN। अब यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। तो ये हमारा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। जैसे ही हम YASLAN कमांड टाइप करेंगे उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, मैनुअली IP कन्फिगर करना है। जैसे कि मैंने वहाँ पर IP आपको बताया था, तो मैं यहाँ पर टैप, जो हमारा टैप बटन है वो मैं प्रेस करूँगा। ये अभी हमारा DHCP पे है। अब हमें क्या करना है, मैनुअली IP देना है। मैनुअली करने पे क्या होगा कि हमें बार बार वो जो IP वो चेंज ना हो, सेम हमारे पास यही IP हो जिससे कि हम प्रैक्टिस कर सकें। अब मैं टैप बटन प्रेस करके एडिट पे जाऊंगा और एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं टैप बटन प्रेस करके स्टैटिक जो हमारा IP है वहाँ पे जाके स्पेस बार बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं फिर टैप बटन प्रेस करके IP एड्रेस पे जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं IP मेंशन करूँगा 192.168.126.128, जैसे कि मैंने आपको अभी IP बताया था ये IP, और सबनेट मास्क में मैंने आपको बताया था 255.255.255.0, या तो आप /24 ये, या तो 24 भी मेंशन कर सकते हैं तब भी आपका ये काम करेगा। मैं 24 मेंशन करके अब यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट, और टैप बटन प्रेस करना है दोस्तों। टैप बटन प्रेस करेंगे तभी आप आगे जाएंगे। तो मैंने टैप बटन प्रेस करते करते नेक्स्ट पे आया और एंटर कर दूंगा। अभी तो यहाँ पर हमने IP दे दिया, सबनेट मास्क दे दिया, लेकिन अभी हमें गेटवे देना है और साथ ही साथ जो हमारा DNS होता है वो भी देना है। DNS सबके लिए सेम होगा, यही आपको DNS मेंशन करनी है। तो सेम वही करना है दोस्तों, टैप बटन प्रेस करना है, ओवरव्यू आपका सिलेक्ट हो गया।
अब आपके कीबोर्ड में राइट एरो बटन होगा, उससे आप क्लिक करेंगे तो ये होस्ट नेम एंड डीएनएस पे चले जाएंगे। अब टैब बटन प्रेस करते ही नेम सर्वर वन पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम आईपी डीएनएस देंगे और सेकेंड डीएनएस देंगे 888 और सेकेंड डीएनएस 4.2.2.2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर टैब बटन प्रेस करके होस्ट नेम एंड डीएनएस को सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमारा होस्ट नेम एंड डीएनएस सिलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर राइट एरो बटन जो हमारे कीबोर्ड में होता है वो प्रेस करेंगे। अब हम राउटिंग पे जाएंगे। अब राउटिंग में हमें आईपी क्या देना है, 192.168.126. जैसे कि मैंने आपको बताया था ये तीनों नंबर सेम रहना चाहिए और लास्ट में आपको वन लगा देना है। आप भी आपके केस में भी, अगर आपके केस में आईपी अलग होगी लेकिन गेटवे में तीनों आपका जो आईपी है वो तीनों सेम रखना है और गेटवे में लास्ट में वन लगा देना है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर डीएम करें, मैं आपको आपसे आईपी लूँगा और आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा आईपी देना है। अब यहाँ पर मैं टैब बटन प्रेस करके ओके कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया दोस्तों, नेटवर्क जो था वो कन्फिगर हो गया, यानी हमारा जो दूसरा कमांड है वो हमारा चल गया। पहला कमांड हमने आईपी चेक किया, दूसरा कमांड में हम लोगों ने क्या किया, यसलिन चलाया, जिससे कि हमने मैन्युअली आईपी यहां पर मेंशन कर दिया। अब एक बार फिर से IP/A करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो 192.168.126.128 यहां पर हमारा मेंशन हो गया। तो हमारा ये दूसरा कमांड हो गया। अब तीसरा कमांड हमें क्या करना है, OS इंस्टॉल करना है। तो हम लोग चलाएंगे OS-INS, टैब बटन प्रेस कर लीजिए, वो खुद पे खुद आ जाएगा। OS-install, ये हमें तीसरा कमांड चलाना है और एंटर कर देना है। अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंटर कर देना है। अब फिर हमें टैब बटन प्रेस करते जाना है नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर हमारा क्लॉक एंड टाइम जोन आ गया। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एशिया, फिर टैब बटन प्रेस करके टाइम जोन पे जाएंगे। अब टाइम जोन पे यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कोलकाता। टैब बटन प्रेस करके जाएंगे नेक्स्ट पे, फिर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, नेक्स्ट पे है, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हमें रूट पासवर्ड देना है, जैसे कि मैंने रूट पासवर्ड बी सी डायल डाला था, तो हमें यहाँ पर नया पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मैं नया पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, AJ Tech। टैब बटन प्रेस करके जाऊंगा नेक्स्ट पे और नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहां पर मैं यस करूंगा। अब फिर टैब बटन प्रेस करके जाऊंगा इंस्टॉल पे, जिससे कि हमारा जो OS है वो इंस्टॉल हो जाए। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा और एंटर मार दूंगा। तो यहां पर हमारा जो OS है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। कुछ ही देर में हमारा OS भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट एक कमांड बचेगा, वो हम लोग कमांड चलाते ही जो हमारा यहाँ पर ब्राउज़र है, यहाँ पर हम ब्राउज़र ओपन करेंगे और जो आईपी हमने अभी मेंशन किया था 192.168.126.128 यहाँ पर डालेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर आईपी डाल के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमारा जो पेज है वीसी डायल के यहाँ पर ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा सेटअप यहाँ पर चल रहा है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी हमारा सेटअप चल रहा है। तो अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तो कुछ देर में जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद एक और कमांड चलाएंगे, उसके बाद हमारा सेटअप रेडी हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो OS था वो इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे से रिबूट नाउ मांग रहा है, तो मैं एक बार इसको रिबूट नाउ कर दूंगा, एंटर कर दूंगा रिबूट नाउ पे। तो ये हमारा एक बार जो हमारा VMware है जिसमें हम लोग VCDL इंस्टॉल करें वो एक बार रिस्टार्ट होगा। तो ये आपके सामने देखने को मिलेगा कि किस तरह रिस्टार्ट होगा। फिर ये ऑटोमेटिक ये हमारा OpenSUSE 42.3 यहाँ पर आ चुका है, यानी हमारा जो OS था वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक और कमांड चलाऊंगा, उसके बाद हमारा जो VC डायल है वो इंस्टॉल हो जाएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें हमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, फिर भी हम लोग जो हमारा सेटअप है वो हम लोग चला रहे हैं और उसे हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ भी कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो मैं सारा लाइव डेमो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं जो हमारा रूट है और जो हमारा पासवर्ड होगा, पासवर्ड जैसे कि मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया था दोस्तों, मैंने क्या पासवर्ड चेंज किया है, एजे टेक मैंने मेंशन किया था, तो वो मैं यहाँ पर डालूँगा। अब यहाँ पर हमें वीसी डायल डालने की ज़रूरत नहीं है, तो रूट और पासवर्ड हमारा एजे टेक यही मैंने डाला था और एंटर कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हो, मैंने एक बार आईपी आपको दिखा दे रहा हूँ, 192.168.126.128 हमारा आईपी भी हो गया, वॉइस भी हम लोग ने चला लिया। अब हमारा लास्ट कमांड क्या है, वीसी डायल हाइफन एक्सप्रेस, सॉरी वीसी बॉक्स हाइफन ईएक्स करके टैब प्रेस कर लीजिएगा, वो आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट कमांड था, वीसी बॉक्स हाइफन एक्सप्रेस। यहाँ पर विंडोज जो हमारा वीसी बॉक्स है वर्जन 8 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, एक्सप्रेस मोड एक्टिवेट हो चुका है। अब कुछ ही देर में यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आएंगे, तो हम लोग देखते हैं कि क्या ऑप्शन आते हैं, उसके बाद उस ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें यस करना है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा टेलीफोन इंटरफेस रजिस्टर हो रहा है। कुछ ही देर में हमारा ये सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्राउज़र पे जो हमने आईपी दिया था 192.168.126.128 वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारा पेज ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइम लग सकता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी हमारा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सीडिंग द ऑडियो स्टोरेज यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, तो कुछ और ही यहाँ पर कुछ और फाइल बनाएंगे, तो देखते रहिए और वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार ब्राउज़र पर जाके एक बार चेक करेंगे कि हमारा वीसी डायल का बॉक्स पेज ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आईपी जो था मैंने मेंशन किया था 192.168.126.128, अब एंटर करूँगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा वीसी डायल यहाँ पर स्क्रीन आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन जब हम लॉगिन करेंगे तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या होता है ये यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, 4x6 और पासवर्ड होगा 1234 और साइन इन कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह का पेज आपके पास आ जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए। तो दोस्तों ये था कि किस तरह आप अपने पीसी में वीएमवेयर को इंस्टॉल करें, साथ ही साथ कैसे वीएमवेयर में आप वीसी डायल को इंस्टॉल करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, और साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 में क्या क्या करना है ये मैंने आपको जानकारी दिया। अगर आपको कोई भी स्टेप में दिक्कत आ रही है, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे DM करें। तो ये था दोस्तों वीसी डायल कैसे इंस्टॉल किया जाता है। बाकी और भी मैंने वीसी डायल पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह यूज़र क्रिएट करते हैं, कैंपेन कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ लीड कैसे अपलोड किया जाता है, बहुत सारा वीसी डायल पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको वहाँ देखना होगा तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि वीसी डायल में कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एज ए टेक सॉल्यूशन।